आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दो भेड़ियों के बीच की लड़ाई, आखिर जीत किसकी। जब एक गुरुजी अपने शिष्य को जीवन का दर्शन सिखा रहे थे तो उन्होंने शिष्य से कहा, मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है। यह भयानक लड़ाई दो भेड़ियों के बीच है। एक भेड़िया दुष्ट है, यह क्रोध, ईर्ष्या, दुख, पछतावा, लालच, अहंकार, आत्मग्लानी, अपराध बोध, झूठ, आक्रोश, हीनता, झूठ, अभिमान और अहंकार आदि से भरा है, जबकि दूसरा भेड़िया अच्छा है। वह आनंद, प्रेम, आशा, शांति, विनम्रता, दया, परोपकार, सहानुभूति, उदारता, सत्य, करुणा और विश्वास आदि से भरा है। गुरुजी ने कहा, यह लड़ाई तुम्हारे भीतर भी चल रही है और हर दूसरे व्यक्ति के भीतर भी। शिष्य ने एक मिनट के लिए इसके बारे में सोचा और फिर गुरुजी से पूछा, कौन सा भेड़िया जीतेगा। गुरुजी ने बड़ी सरलता के साथ उत्तर दिया, जिसे आप खाना देंगे, यानी कि अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार में ज्यादा जगह देंगे। इस कहानी का पहला भाग हमें बता रहा है कि हम पहले भेड़िये से कभी पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते। पहला भेड़िया हमेशा रहेगा तथा दो भेड़ियों के बीच की लड़ाई शाश्वत है। दोनों भेड़िये हमेशा रहेंगे। यह हमारी भावनाओं, व्यवहार, आदतों और हमारे जीवन के हर दूसरे पहलू पर लागू होता है। कल्पना कीजिए कि अगर हम पहले भेड़िये की गिरफ्त में रहते हैं और क्रोध, ईर्ष्या, दुख, पछतावा, लालच, झूठा अभिमान और अहंकार से भरे रहते हैं, तो हम आगे बढ़ने की गति को खो देंगे और परोक्ष रूप से हम दुष्ट भेड़िये को बढ़ावा देंगे, जिससे दुष्ट भेड़िया दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। इसके ठीक विपरीत, अगर हम सचेतन हो अच्छे भेड़िये को प्रोत्साहन देते हैं तो हम में आनंद, प्रेम, आशा, शांति, विनम्रता, दया, परोपकार, सहानुभूति, उदारता, सत्य, करुणा और विश्वास आदि बढ़ता जाएगा। मगर इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा और इन गुणों को अपने मन में बढ़ावा देना होगा। जरा सोचिए, आपके अंदर किस भेड़िये का दबदबा है और आप किसको ज्यादा बढ़ावा देंगे। धन्यवाद। सजग रहें, सूचित रहें, जीवन को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहें।